नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। बिहार से 6 चेहरे इस बार मोदी कैबिनेट के मंत्री बन गए हैं। इन 6 चेहरों को मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये 6 सांसद अब काम करने वाले हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़े सांसद के तौर पर, या यूं कहें कि बिहार की राजनीति के पुरोधा एक तरह से, वो हैं रामविलास पासवान। LJP के मुखिया हैं। उन्हें एक बार फिर से मोदी सरकार ने अपने कैबिनेट में शामिल किया है। तो बिहार की तरफ से सबसे पहले शपथ लेने वाले चेहरे रामविलास पासवान ही थे, जिन्होंने मंत्री पद के तौर पर, यूनियन मिनिस्टर के तौर पर शपथ ग्रहण किया। उसके बाद दूसरे चेहरे बने रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद पहली बार लोकसभा चुनाव जीते और लोकसभा इस बार पहुंचे। पिछली बार वो राज्यसभा के मेंबर थे। राज्यसभा से पहुंचने के बाद उन्हें मिनिस्टर बनाया गया था। इस बार लुपटना साहिब से जीत कर गए हैं और फिर से एक बार मोदी कैबिनेट में उन्हें मिनिस्टर बनाया गया है। तीसरे बड़े चेहरे गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह पिछली बार नवादा से जीते थे, लेकिन इस बार बेगूसराय से जीते। बेगूसराय का रन काफ़ी दिलचस्प रहा, काफ़ी सुर्खियों में रहा। हालांकि जितने ज़्यादा वो वोट के मार्जिन से जीते वो बहुत बड़ा था। उन्होंने कन्हैया कुमार को मात दी वहाँ पर। कन्हैया की वजह से वह सीट काफ़ी हॉट सीट बनी। पिछली बार भी मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए थे और एक बार फिर गिरिराज सिंह को मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। इसके बाद चौथा चेहरा जिसने शपथ ली वो थे अश्विनी चौबे। बक्सर से चुनाव जीते हैं अश्विनी चौबे। पिछली बार भी मोदी सरकार में मंत्री रहे थे, इस बार भी मोदी सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। इस बार हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन पर फिर से PM मोदी और अमित शाह ने भरोसा जताया और एक बार फिर से उन्हें मंत्री बनाया। अगले चेहरे RK सिंह, आरा से सांसद। राजू यादव को चुनाव में हराया और PM मोदी और अमित शाह के खासे करीबी माने जाते हैं। PM मोदी और अमित शाह का उन पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि वो आउटपुट देने में काबिले तारीफ हैं। ये कहा जाता है कि मोदी कैबिनेट के उन गिने चुने मंत्रियों में से वो हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा आउटपुट दिया या जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया। तो RK सिंह उसके बाद मंत्री बने। और अंतिम में बिहार की तरफ से नित्यानंद राय की इस बार एंट्री हुई है मोदी कैबिनेट में। नित्यानंद राय बिहार BJP के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं। साथ ही उन्होंने उजियारपुर से लगातार दूसरी बार चुनाव जीता और इस बार उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने चुनाव में बहुत बड़ी शिकस्त दी, तो इसका इनाम उन्हें मिला है और इस बार मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। तो ये वो 6 नाम हैं, ये वो 6 चेहरे हैं जो बिहार की तरफ से अब मोदी सरकार के अंदर मोदी कैबिनेट में मंत्री रहने वाले हैं और बिहार का नाम गर्व से ऊंचा करने वाले हैं। तो ये वो 6 चेहरे जिन्होंने आज मोदी मंत्रिमंडल में शपथ ली है। बिहार से जुड़ी और भी तमाम खबरें आप लाइव सिटीज़ पर देखते रहें। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और खबरों को डिटेल से पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएँ। धन्यवाद।